मैक्सिमम एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा कि कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम से भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो ये कह रहा है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम और ओएस, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में हम ओएस कहते हैं, इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है डेट इनेबल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर टू कम्युनिकेट एंड ऑपरेट विद द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। यानी कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे शॉर्ट में हम ओएस कहते हैं, और यह एक प्रोग्राम है। और ये क्या करता है? कंप्यूटर हार्डवेयर को, हार्डवेयर का मतलब होता है कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट्स, ठीक है, कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट, जैसे कि आपका आप मॉनिटर कह सकते हैं, इसके अलावा माउस कह सकते हैं, इसके अलावा सीपीयू कह सकते हैं, इसके बाद आपका कीबोर्ड कह सकते हैं आप। यानी कहने का मतलब होता है कंप्यूटर का जितना भी सारा पार्ट जिसे आप छू सकते हैं वो हार्डवेयर होता है। तो जो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है उसको कम्युनिकेट करना, इसके अलावा जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है उसको ऑपरेट करना, ये सारा काम किसकी मदद से होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से होता है। आप ये कह सकते हैं कि अगर कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं रहेगा। विदाउट अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ए कंप्यूटर वुड बी यूजलेस, यानी बिना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका जो कंप्यूटर है वो यूजलेस है, बेकार है, मतलब हम उसको ओपन ही नहीं कर सकते तो हम कैसे उस पर काम कर सकते हैं। यानी आप ऐसे अपने मोबाइल स्मार्टफोन के बारे में भी समझिए कि स्मार्टफोन में क्या होता है, जो एंड्रॉयड होता है ना वो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो है, अगर वो है तो ओपन होगा, वो नहीं होगा तो ओपन नहीं होगा, ठीक है, एंड्रॉयड है, DROID होगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम विच एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन अ यूजर एंड द हार्डवेयर। जो यूजर होता है और जो हार्डवेयर होता है उसके बीच में क्या होता है, इंटरफेस होता है। आप यहाँ पर देखिए, ये सबसे लास्ट वाला जो है ना, ये आपका यूजर है। यूजर मैक्सिमम काम किस पर करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूरी तरह डिपेंड सिस्टम सॉफ्टवेयर पर होता है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका जो हार्डवेयर होता है कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट, तो उस पर डिपेंड होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यूजर को अगर हार्डवेयर तक पहुँचना होगा तो, या यूज़र को हार्डवेयर को कम्युनिकेट करना होगा तो किसकी मदद से हम लोग कर सकते हैं? सॉफ्टवेयर की, सिस्टम सॉफ्टवेयर की मदद से। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को चलाने वाला सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करने वाला सॉफ्टवेयर। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में दो प्रकार का है, एक सिस्टम और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन काम करने वाला सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को चलाने वाला सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके अलावा देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में यहाँ पर थोड़ा सा समझा रहा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे कि आपका स्प्रेडशीट एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, इसके अलावा जो एक्सेस होता है वो है, यानी जितना भी हम कंप्यूटर पर काम करते हैं वो सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूरी तरह डिपेंड किस पर होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर पर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा तो एप्लीकेशन होगा, सिस्टम नहीं होगा तो एप्लीकेशन का कोई काम नहीं होगा। इसी में सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। यानी कह सकते हैं ये जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम है ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एग्जाम्पल है। एग्जाम में अक्सर इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए उसको बेहतर तरीके से समझिए ताकि आप एग्जाम में आप इसका जवाब दे सकें। इसके अलावा हार्डवेयर, हार्डवेयर में क्या क्या होगा, तो जैसे हम बताएं मॉनिटर, माउस, सीपीयू, कीबोर्ड, या जो भी सारा डिवाइस वो दिख रहा है कंप्यूटर से जुड़ा होता है काम करते, वो क्या है, सारा हार्डवेयर है। अब यहाँ पर दिया है एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल क्या क्या होगा, तो जैसे विंडोज 98, XP, 7, 8, 10, ये सब एक्चुअल में थोड़ा सा पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अभी हम लोग जो है मैक्सिमम लोग जो यूज करते हैं वो विंडोज 11 यूज करते हैं, विंडोज 10 प्रो यूज करते हैं। इसके अलावा लिनक्स है, यूनिक्स है, उबंटू है, फेडोरा है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना अक्सर आपको एप्पल कंपनी का जो अगर कंप्यूटर परचेज करेंगे उस पर मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा एंड्रॉयड, जो एंड्रॉयड मोबाइल होता है, एंड सेंट ओएस, यानी ये सब जो एंड्रॉयड मोबाइल है
जो उस पर एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये सब सब क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक होता है एमएस डॉस, जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और इज अ सीयूआई का ऑपरेटिंग सिस्टम, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि विंडोज एक्सपी 7, 8 या 10 ये आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी यहाँ पर आप ये कह सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक सीयूआई और दूसरा होता है जीयूआई, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और दूसरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब यहाँ से फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है, देखिए फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्वेश्चन समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा आपका, क्या क्या कह रहा है इसका फंक्शंस क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का। एक तो प्रोसेस मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, ठीक है, जितना भी सारा प्रोसेस होता है ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। जो भी स्टोर होता है मेमोरी पर उसको भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। फाइल मैनेजमेंट हुआ, डिवाइस मैनेजमेंट हुआ, सिक्योरिटी हुआ, इसके अलावा जॉब अकाउंटिंग, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है, और इसके बाद नेटवर्किंग, इसके अलावा कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स, इन सब का, ये सब जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ही फंक्शन है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये कह रहा है प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन हुआ। दूसरा ऑप्शन है फाइल मैनेजमेंट, तीसरा ऑप्शन हुआ इनपुट एंड आउटपुट मैनेजमेंट, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो कौन सा होना चाहिए, ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है, प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है, इनपुट एंड आउटपुट मैनेजमेंट भी करता है, फाइल मैनेजमेंट भी करता है, ठीक है। तो ये था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अक्सर जो है आप डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए भरेंगे, उन सब में इससे क्वेश्चंस आपका बनता है, ठीक है। उम्मीद है इस वीडियो में आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझे होंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।